झारखंड विधानसभा की चुनाव की घोषणा होते ही अब वह भी पार्टी मैदान में आ चुकी है जो लोकसभा में अपनी प्रतिनिधि उतार चुके थे। वह पार्टी का नाम है राइट टू रिकॉल। लोकतंत्र में विधायक और सांसद जब वह चुनाव जीत के जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा सिंहासन मिल जाता है कि वो 5 साल कुछ भी करे, जनता उसको हटा नहीं सकती है। लेकिन राइट टू रिकॉल यह हर समय भरसक प्रयास कर रही है भारत सरकार से, चुनाव आयोग से, कि आप वह भी कानून बनाइए कि अगर वह प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो उनको वापस बुला सकते हैं। और इसी विषय के ऊपर यह पार्टी का निर्माण किया गया है, राइट टू रिकॉल। लोकसभा चुनाव में इसके प्रतिनिधि भी चुनाव में लड़े थे लेकिन वह हार गई, लेकिन वह अपनी मकसद को छोड़ी नहीं है, इसीलिए वह इस बार विधानसभा, झारखंड विधानसभा में 14 क्षेत्र में अपनी प्रत्याशी उतार रही है। तो हम इसी विषय में बात करना चाहते हैं इनके प्रतिनिधि से, और जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी थे उनसे बात करना चाहेंगे, जो कोल्हान में जो आप अपने प्रतिनिधि उतार रहे हैं, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र, उसका थोड़ा संक्षिप्त जानकारी पहले दीजिए। सबसे पहले रामचंद्र टुडू जी हैं अपोटका विधानसभा से, और सागेन देवगम जी हैं घाटशिला विधानसभा से, और अंजलि पूर्ति जी है आपका जगन्नाथपुर विधानसभा से, चावासा विधानसभा से बीर सिंह हेम्ब्रम जी हैं, और आपका सरायकिला विधानसभा क्षेत्र से बीर सिंह देवगम जी हैं, और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीर सिंह देवगम जी हैं, और जमशेदपुर पश्चिमी से महेश कुमार जी, और एक नया आपका कल नॉमिनेशन होगा, उनका मेरे सूची में नहीं आया है। कितने दिन की पार्टी है? 2019 में रजिस्टर्ड हुआ पूरे ऑल भारत के लिए। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है इसका? इसका हेड क्वार्टर है गाजियाबाद। और इसके मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल चमन भाई मेहता। आप लोकसभा किस क्षेत्र से, किस लोकसभा क्षेत्र से आपने चुनाव? सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र चावासा से चुनाव लड़े थे। हमारे साथ रामचंद टुडू जी हैं, आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? पोटका कॉन्स्टिट्यूशन से मैं तैयारी कर रहा हूं। क्या कारण है कि आपको राजनीतिक पार्टी में आने की जरूरत पड़ी? क्या मांग है कि आप लोग इस चुनाव में राजनीतिक का जो सोच है उसको परिवर्तन करेंगे? देखिए ऐसा है ना सर, जो भी राजनीतिक पार्टी जो है, माने कानून के बारे में, बाबा साहब के जो संविधान के बारे में कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लोग सोचा कि नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है, इस देश में कानून से चलता है, कानून के द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। बहुत ऐसा पार्टी है कि कानून को मानते भी नहीं है, तो इस देश में कानून को मांग कर रहे हैं हम लोग, राइट टू रिकॉल जो बोलते हैं, वोट वापसी पासबुक हम लोग देंगे सब। लेकिन चुनाव में एक पॉइंट को लेकर नहीं जीता जा सकता है, ये तो आपका राइट टू रिकॉल अपने पार्टी के निर्माण किया, और भी तो मुद्दा चाहिए, किस किस मुद्दा में आपको पॉइंट आउट किया? पॉइंट आउट तो बहुत सारे हैं हम लोग का, अभी हमारे जो कुछ नया मैनिफेस्टो आया है थोड़ा उसका जानकारी हमको नहीं मिला है, आप लोग के सामने बहुत जल्दी हम इसके जानकारी देंगे। लेकिन अगर बुनियादी सुविधा को देखा जाए तो झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में, रूरल एरिया में, क्योंकि आप किस क्षेत्र से आते हैं, डुमरिया से, क्या क्या कमी है वहाँ? सबसे पहले तो हम लोग को स्वास्थ्य, जैसे अस्पताल बन गया है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, आपका रोड बन गया है, रोड तो बना ही नहीं है। आप देखिएगा यहाँ से डुमरिया अगर जाइएगा तो 1 घंटा समय लगता है, कम आपको 3 घंटा लग जाएगा सर। यहाँ के विधायक तो बहुत सा योजना लेके आए हैं। कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने से नहीं होता है, शिलान्यास होने से नहीं होता है, उस पर धरातल पर योजना को काम होना चाहिए। हम लोग खुद क्षेत्र में घूमते हैं, हम देखते हैं कहीं ऐसा कोई विकास नहीं है, 5 साल सिर्फ समय को बर्बाद किया है। 5 साल विकास नहीं है और पोटका की जिम्मेवारी आपको दिया गया, क्या क्या विकास कीजिए, क्या क्या कमी इस क्षेत्र में पहले बताइए? कमी बहुत कुछ है भैया, क्या बोलेंगे, बोलने का भी इसका समय बहुत चाहिए, लेकिन पहली बात हमको तो है शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ। गरीब लोग देखिए गांव गांव में इतनी सारा बीमारी है, हॉस्पिटल बना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हॉस्पिटल है उसमें कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। खेती स्टाफ बहुत सारे में सूख गया है, वहाँ अगर डीप बोरिंग होता, डैम होता, बम बम हो जाता, और पूरा ही जो है ना, कोई भी देश का होता है ना, किसान पर ही देश डिपेंड करता है,
जब भी जीडीपी बोलता है ना, हाँ डोमेस्टिक ये यूज का जीडीपी प्रोडक्ट, किसान का जिस समय बढ़ता है उसी समय देश जीडीपी बढ़ता है, और जिस समय किसान का खेती नहीं घटता है उसको अच्छा गवर्नमेंट सर्विस से आपको भी गवर्नमेंट सर्विस हर एक गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट है, जब धान किसान पैदा करता है कोई भी किसी से क्रॉप ज़्यादा होता है तो उसका डीए नहीं बढ़ता है, जब उसका नहीं होता है तो डीए बढ़ता है। चलिए गरीब लोग मरता है वो लोग नोट बढ़ता है। सर एक चीज़ बताइए, क्या पार्टी का सिंबल है आपका पार्टी का? हम लोग का सिंबल है प्रेशर कुकर हो सकता है और दूसरा ऑटो रिक्शा। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी और चाईबासा कोल्हान क्या क्या नॉमिनेशन का टाइम है, कब आप लोग इसमें आपका फॉर्म भरेंगे, कब तक मैदान में पूरा? हम लोग 23 तारीख को सब जगह नॉमिनेशन कर लिए हैं। शुरू हो गया हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार जी, जिस दिन नॉमिनेशन शुरू हो गया उसी दिन फर्स्ट दिन ही नॉमिनेशन को शुरू कर दिया है जमशेदपुर पश्चिमी से, और हम लोग 23 तारीख तक सभी जगह हम लोग नॉमिनेशन कर लेंगे। आम वोटर से जो आपकी पार्टी को वोट दे उनको क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो वोटर को यही बोलना चाहूँगा, शिक्षित आदमी को आप विधानसभा में सोचिए ताकि आप आपका जो वोट का कीमती है मिस यूज ना हो, बस वही बोलना चाहूँगा। अपने पोटका विधानसभा क्षेत्र से क्या कहना चाहते हैं? यही सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमको वोट दीजिए। 70 साल में जो डेवलप हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, हम 5 साल भी दिखा देंगे, गिनीज बुक में मेरा नाम आएगा जी, ये मेरा सोच है। और ये भी आपको बता देता हूँ, हमारे जमशेदपुर में एक प्लॉट है, अगर नहीं जीतते हैं इस साल सेशन में नहीं करेंगे, कमिंग सेशन तक फ्री में हम लड़कियों को पढ़ाई रहने के लिए दे दूंगा। अगर MLA बनता हूँ तो इसी जुलाई से हम स्टार्ट करा दूंगा रहने की। झारखंड सरकार की मैया योजना बहुत अधिक पॉपुलर हो चुकी है, तो सरकार तो अच्छी योजना लाई है। नहीं, ये सरकार योजना जो लाई है ना, बिल्कुल ये सरकार ये योजना नहीं चलने वाला है। माने हमारे माने आदिवासी भाई लोग को माने बेवकूफ़ बनाने का काम है ये वाला। चलिए राइट टू रिकॉल के प्रतिनिधि से हम बात कर रहे हैं, चुनाव का टाइम है, ये आपको सोचना है कि किस पार्टी में वोट दे, लेकिन राइट टू रिकॉल की अपनी जो मैनिफेस्टो अपनी जो बात है एडी लाइव के माध्यम से जनता के बीच लेके जा रहे हैं, मर्जी आपकी। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।